नमस्कार दगड़ी हो उत्तराखंड की नौनी है आज बड़ल शिवपुरी ऋषिकेश के अनन्या रिट्रीट कैंप में और बहुत ही अच्छी बात यह है कि अनन्या जो बेटी है नंदनी जी की वो एक साल की हुई तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और बर्थडे के साथ साथ इस कैंप का भी इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया और माउंटेनियर नंदिनी जी आज हमारे साथ हैं नंदिनी जी उत्तराखंड की नोनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच थैंक यू मैम मैम सबसे पहले तो हम जब आए हैं आपकी इस लोकेशन पे अब क्या इस कैंप की क्या कुछ खासियत है कि लोगों को यहाँ आना चाहिए आ, कितना दूर है ये शिवपुरी से बड़ल मैम ये शिवपुरी से अप्रोक्स ट्वेल्व किलोमीटर है और शिवपुरी जो है एक शिव का जगह बताई जाती है कि शिव का यहाँ से बहुत बड़ा एक अटैचमेंट रहा है शिव का तो शिवपुरी में पिछले दस साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ कैंप कैंपसाइड है रिजॉर्ट है और यहाँ की जो ब्यूटी है खूबसूरती है वो गंगा व्यूज़ जो है वो यहाँ पे सबको देखने को मिलता है और उसी उसी के लिए यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमें हम जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनको हम यहाँ से बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और दूसरा ये है कि जो हमारी गंगा है उसमें हम राफ्टिंग हमारी चल रही है तो यहाँ से बहुत कुछ हम आ, क्लाइंट्स को दे रहे हैं इसीलिए क्लाइंट्स जो है यहाँ बड़ा शिवपुरी में आ रहे हैं और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने यहाँ लगा रखी है जिसके लिए हमने क्लाइंट्स को देंगे तभी वो यहाँ पे आएगा भिल्कुण, भिल्कुण, भिल्कुण। अच्छा अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उसके पास अपनी अपनी गाड़ी अगर नहीं है तो और कोई व्हीकल की सुविधा है यहाँ तक पहुँचने के लिए हाँ मैम यदि कोई कहता है कि हम लोग ऋषि के साथ आ चुके हैं तो ऋषि केश के लिए ट्रांसपोर्ट उनको चाहिए होगा तो हम उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और तपोवन एक जगह आए थी वो बाई टैक्सी करके भी आ सकते नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ा इशू नहीं है ईज़िली यहाँ पे ऑन रोड हमारी प्रॉपर्टी है टेम्पो ट्रैवलर बसेस गाड़ी वगैरह सब लोग यहाँ सब आ रहे हैं आराम से अच्छा इस कैंप में कितने कमरे हैं और वीआईपी कैंप कितने हैं सेपरेट कितने हैं मैम हमने दस रूम बनाए हैं ग्यारहवा हमारा अपना पर्सनली रूम है और अभी आगे भी हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपनी जिसमें हमारे छः या सात कॉटेजेस और रहेंगे तो अभी जो आ, हमारे दस कॉटेजेस है इसमें जो शुरू के चार रूम हैं वो हमने डबल शेयरिंग में करे हुए हैं और जो बाकी के हमारे सिक्स से टेन हैं सिक्स रूम हैं उनको हम ट्रपल शेयरिंग में मर्ज कर रहे हैं जी अगर इनके पैकेजेस की बात की जाए तो क्या कुछ पैकेज है इनका पैकेजेस सबका अलग अलग है डबल शेयरिंग का अलग है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाता है कि क्लाइंट्स हमसे विद फूड मांग रहा है तो विद फूड का अलग है और यदि आप देख रहे हैं कि टपल शेयरिंग है उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऑल मील से ही है कुछ ए मांगते हैं कुछ एम पी एम आता है तो सबका अलग अलग पैकेजेज़ है मैम जी 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 अच्छा आपकी बेटी पे आते हैं अनन्या जो एक साल की हुई बहुत बहुत शुभकामनाएं उसका बर्थडे आपने मनाया तो क्या आपने और आपके हस्बैंड ने ऐसा कुछ प्लान किया था कि हमारी बेटी एक साल की होगी तो हम कुछ ऐसा ओपनिंग करेंगे कुछ नया नहीं मैम ऐसा कुछ <laughs> भी नहीं था जब वो हुई थी तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम उसके नेक्स्ट बर्थडे पे हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी बेटी के नाम से खड़ा कर पाएंगे अभी ऐसा कुछ हमने सोचा ही नहीं था कि और जब हम इस प्रॉपर्टी को बना रहे थे तभी भी हमें ये नहीं पता था कि हम हम क्या नाम रखेंगे पर एक दिन हम बैठे थे बेटी के लिए बेटी हमारी जो बेटी है हमारे लिए बहुत लक्की है तो उसका नाम अनन्या है और फिर अनन्या रिट्रीट रिजॉर्ट भी आपने आपने देखा भी होगा कि ओपनिंग के दिन ही हमारे क्लाइंट्स भी रहे पूरा फुल रहा है सोल्ड आउट रहा है तो इससे लक्की बात और हमारे लिए क्या होगा सौभाग्य के लिए तो ऑलमोस्ट तो मैम सभी फुल हो जाता है बाकी तो देखते हैं दिल्कुल, दिल्कुल। अच्छा आप एक माउंटेनियर हैं रही है किन किन चोटियों पे आप गई हैं कहाँ कहाँ मैंने टू थाउजेंड थर्टीन से अपनी माउंटेनियरिंग का सफ़र स्टार्ट किया है सबसे पहले मैंने बेसिक एडवांस एम कोर्सेज किए उसके बाद मैंने कई जगह जॉब किया बेंगलोर इंदौर राजकोट गुजरात में देहरादून में और मैं टू थाउजेंड थर्टीन से ही थर्टीन फोर्टीन से जैसे मेरे कोर्स कंप्लीट हुए थे मैं नेहरी युवा केंद्र में इंस्ट्रक्टर भी हूँ और जब जब उनके गवर्नमेंट के कैंप्स लगते हैं तब तब मैं वहाँ जाती हूँ और जो हमारा चल रहा है अभी जो हम माउंटेनियरिंग का तो माउंटेनियरिंग देखी जाए तो करीब मैंने फोर्टी फोर पीक्स तो इंडिया की क्लाइम की हुई हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं कुछ पीक्स हमारी हिमाचल है कश्मीर की हैं ले लद्दाख की हैं तो टोटल ऑलमोस्ट मेरी 44 फोर पीक हैं उसके अंदर ट्रैक्स भी हैं बाकी दो मेरी इंटरनेशनल पीक्स हैं जो एक तो आपका अफ्रीका कॉन्टीनेंट्स है उसकी माउंट किली लिए क्लाइम किया हुआ है 2017 में और 2017 में ही आफ्टर सिक्स मंथ मैंने किया था माउंट एलवरस्ट जो यूरोप कॉन्टीनेंस की हाइएस्ट पीक है क्या बात है और अब आप एक बच्ची की माँ भी हैं तो अब आपको क्या लगता है कि माँ बनने के बाद मतलब इस सफ़र को जारी रखेंगी आगे अभी हाँ मैं इस सफ़र को जारी रख रही हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत वेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है और वो मुझसे जब मेरी बेटी सिक्स मंथ की हुई थी वो तभी से मुझे बोल रहे हैं कि आप कुछ नया करो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और आपका भी थोड़ा सा आप नाम हो आपका भी तो मैं जा रही हूँ कोशिश कर रही हूँ कि आफ्टर सिक्स मंथ और मुझे अभी सिक्स मंथ लेनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है बट मेरे पास फिर सिक्स मंथ के लिए बहुत लंबा टाइम है तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि जून में मैं कोई भी एक पीक इंडिया की क्लाइम करूँ तो मैं अभी उसी की तैयारी में हूँ क्या बात है मतलब माँ बनने के बाद भी नहीं फैमिली ने भी साथ दिया और उनकी भी इच्छा है कि वो अभी और आगे जाएं सफ़र पे निकले निकलें जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड की नोनी है नॉनी महिलाएं बच्चे बेटियां मतलब नोनी का मतलब बेटी होता है लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है तो उत्तराखंड की नोनी के माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे पहाड़ की महिलाओं को खास करके वैसे तो पहाड़ की महिलाएँ हमारे लिए ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है देखा जाता है कि मैंने क्योंकि मैं पिछले चार साल से मेरा कैम्प जो जड़ी पानी कहा ताल में है मैं वहाँ भी लेडीज़ों को देखती हूँ पर फिर भी जहाँ जहाँ लेडीज़ों को आगे निकलना चाहिए मेरे मेरे मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ उनको अभी आगे नहीं निकाला जा रहा है और उनको वहाँ निकालना चाहिए बच्चों को थोड़ा लेडीज़ों को आगे आना चाहिए खुद से भी आगे आना चाहिए उनको क्योंकि होता है क्या है हमारे जो इंडिया में जो हमारी एक कल्चर है कि लेडीज़ को थोड़ा अंदर रखा जाता है और कहीं होता है कि उनको पुशअप मिल जाता है कहीं लेडीज अपने आप लड़के आगे आती है और जब वो लड़ भी रही होती है खुद उसको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं कुछ फाइट होती है कि वो परिवार से लड़ रही हैं समाज से लड़ रही हैं फिर शादी हो गई तो ससुराल फिर हस्बैंड बच्चे उनको ना बहुत स्ट्रगल रहा होता है लेकिन मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि यदि उनमें कुछ है कुछ करने की क्षमता है तो किसी का भी वेट ना करें कि वो मुझे आएगा बुलाएगा उनको कुछ करना खुद से जाएं अपने हक़ के लिए लड़ें और आगे आएं मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ जितना आगे बढ़ के अपने आप को प्रजेंट करेंगी उतना समाज उनको दिखेगा क्योंकि कहते हैं कि दिखता है तो बिकता है तो वही है कि आप आगे आएंगे तो निखरेंगे बहुत ही अच्छा मैसेज अगर आपकी लाइफ में हस्बैंड है या बच्चे हैं तो आ, उन्हें अपनी ताकत बनाइए अपनी कमजोरी नहीं कि आज मेरे पास बच्चा है तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या आज हस्बैंड है तो उन्हें अपनी ताकत बनाइए और अगर वो सपोर्ट नहीं भी करता है तो खुद अपनी ताकत बनिए बहुत ही अच्छा मैसेज मैम उत्तराखंड की नोनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच मैम आप आए मुझे भी अच्छा लगा थैंक यू